नमस्कार दोस्तों। महामारी का समय, देश विदेश में लॉकडाउन का दौर, शिक्षा संस्थानों का बंद होना, अर्थव्यवस्था का गिरना और ना जाने कितने ही लोगों का अपनी नौकरी चले जाना, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं लगता कि 2020 साल त्रासदियों का साल रहा। पर इसी बीच नए दृष्टिकोण रखने भी शुरू किए गए। उदाहरण के लिए आत्मनिर्भर भारत की सोच। अब हरियाणा में भी बेरोजगारी से निपटने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 50,000 युवाओं को नौकरी दिलाई जा सके। डिप्टी सीएम का कहना है कि 15 जुलाई को शुरू किए गए रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर के द्वारा 13 लाख बेरोजगार युवा का डेटा इकट्ठा किया गया। इसमें उनकी पसंदीदा जॉब, विभाग, वेतन वगैरह वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है और डेटाबेस को एनालाइज किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है ना, हजारों सर्वे हो रहे हैं, ऐसे हमें क्या। तो इस डेटाबेस के आधार पर आपको आपकी पसंद की जॉब के लिए सरकार दिलवाएगी कोचिंग। जी हाँ, कई बच्चे हैं जो एक दो अंक के कारण रह जाते हैं, पर अब उनकी सफलता के लिए सरकार कोचिंग दिलवाएगी। खबर ये भी है कि जल्द ही बंधु सॉल्यूशन ऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 1,000 युवा को रोजगार मिलेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, काम तो हो रहा है। तो मतलब युवाओं के लिए शुरू किया गया रोजगार विभाग केंद्र किसी अंधेरे में दीप से कम तो नहीं है। ये विभाग आपको विभिन्न क्षेत्रों की नौकरी दिलाने व तैयारी कराने में मदद करेगा। सरकारी, निजी, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेश में निकलने वाली सेना, रेलवे या निजी क्षेत्र में भी संपर्क करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवार ये विभाग उपलब्ध करवाएगा और इस बीच आपको योग्य बनाने के लिए तैयारी भी करवाएगा और आपके और नौकरी के बीच के सेतु के रूप में काम करेगा। तो अब अगली बार जब नमस्कार, मैं रोजगार विभाग केंद्र से बोल रहा हूँ, ऐसे करके कोई फोन आए तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला समझ के कट मत कर दीजिएगा। CMIE की माने तो हरियाणा में बेरोजगारी दर जुलाई 2020 में 24.5 थी, मतलब तकरीबन 1/4 हिस्सा युवा का बेरोजगार। ऊपर से इस दुर्भाग्यपूर्ण काल में कितने ही लोगों से उनका रोजगार छिना भी होगा। ऐसे में सरकार का ये कदम युवाओं में आशा जगाने वाला है। बस हम तो यही कहेंगे कि ये मुहिम भी कहीं कागजों तक सीमित ना रहे, एक जमीनी हकीकत के तौर पर उभरे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। आखिरकार जहां युवा सशक्त, वो राज्य सशक्त और वो राष्ट्र भी सशक्त।